सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। अररिया के चांदनी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरुद्ध नारे भी लगाए। कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मासूम रजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संविधान बचाने वाला है और अंततः जीत सच्चाई की हुई। उनके अनुसार ये फैसला 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की सफलता का संकेत है। मोहब्बत की दुकान खुला और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे संविधान को जिस तरह बचाने का प्रयास किया और संविधान बचा, माननीय राहुल गांधी जी का जो जमानत हुआ, इसके लिए आज हम लोग खुशी हैं और पूरे भारतवर्ष के अमन पसंद लोगों को एक पैगाम अररिया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से दे रहे हैं। जीत सच्चाई को होती है, कठिनाई जरूर होती है, मगर हमेशा जीत सच्चाई को होती है। इसलिए भाजपा गवर्नमेंट लाख चाहे मोदी जी, हमारा कोई ऐसा दीवार नहीं है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को रोक सके। अभी तो ये अल्टीमेटम है, 2024 बाकी है, आप देख लीजिएगा भारत का जो नफरत पसंद लोगों को भारत को छोड़ करके मोहब्बत के साथ आना पड़ेगा उसको, यही हमारा पैगाम है और मेरा पैगाम। जिला कांग्रेस प्रवक्ता इश्तियाक आलम कहते हैं कि चंद लोग इस देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनके आक्रमण को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश के सभी लोग जो इंडिया को इंडिया कहते हैं, वे इस फैसले के बाद जश्न में डूबे हुए हैं। और ये मिठाइयों का जो खेल हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सत्य की ये हुई है सुप्रीम कोर्ट में, असत गुजराती चंद लोग जो कांग्रेस के ऊपर इस देश के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आक्रमण को उल्टा पाला कर दिया और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई और उनके गिरफ्तारी पे रोक लगी। इसीलिए आज पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के कांग्रेस जन, पूरे इंडिया के आम जन जो इंडिया को इंडिया कहते हैं, वो तमाम आप जश्न में डूबी हुई है। उसी क्रम में अररिया चांदनी चौक पे हमारे कांग्रेस जन और आम जनता इस जश्न में आपको दिख रहे हैं। किशनगंज में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए राहुल गांधी को बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज देश के 140 करोड़ जनता के भरोसे को कायम रखने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम रोल अदा किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज भी देश में न्याय जिंदा है और ये न्याय तब तक देश में जिंदा रहेगा जब तक राहुल गांधी जैसे नेता रहेंगे। कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा जो भी रणनीति अपना रही है, वो तमाम रणनीति देश के मासूम लोगों को फंसाने के लिए है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान, आज देखे कि नफरत कितना गंदगी फैलाए हुए था भाजपा सरकार कि सच का न्याला। हम लोग को मालूम था कि जो आज होने वाला है, ये कोर्ट का जो फैसला था, हम लोग को मालूम था कि सच सच है और झूठ झूठ है। हम लोग को ये पहले से मालूम था कि राहुल जी के साथ कभी भी ऐसा न्याय नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी सच की लड़ाई लड़ता है और लड़ते रहेगा। चुनाव से ठीक पहले फैसला आ गया, आप लोगों में क्या समझते हैं? चुनाव से पहले फैसला, तो ये फैसला पहले ही था। ये मोदी जी और भाजपा सरकार झूठों का आरोप और झूठ और नफरत का बाजार लेके घूम रहे हैं। अब वो नहीं चलने वाला है और बहुत जल्दी वो लोग खत्म हो जाने वाला है। एज ए एडवोकेट आप हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ, और इस मैसेज से पहले मैं हिंदुस्तान की तहजीब और दस्तूर को अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने पूरे भारत के 140 करोड़ जनता की इस भरोसे को कायम किया और इस भरोसे को कायम करने में हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम रोल अदा किया। मैं इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। न्याय भी जिंदा है? बिल्कुल, न्याय जिंदा है
और न्याय तब तक जिंदा रहेगा जब तक इस भारत देश में राहुल जैसे लोग जिंदा रहेंगे। इसका नुकसान? नुकसान कुछ भी नहीं है। इसका नुकसान आने वाले दिनों में भाजपा होने वाले जिस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आपको ये बता दूं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जितनी भी उन्होंने जो रणनीतियां अपनाई हैं, तमाम रणनीतियां मासूम लोगों को फंसाने के लिए है। और मुझे यकीन है कि जब तक हमारे यहाँ जो संविधान हमारे यहाँ लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, वो संविधान इस देश के नागरिकों की हिफाजत करता है। जिस तरह से आज हमारे राहुल गांधी की संसदी बची, उनको जो है उनकी सज़ा पर रोक लगी, मैं सुप्रीम कोर्ट का, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का, मैं संविधान का, इन तमाम चीज़ों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देश के सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ, हम तमाम कांग्रेसी शुक्रगुजार हैं। राहुल भाई पर जब ये केस पड़ा था गुजरात में, तो दो गुजराती पूरे देश को चलाते हैं, और ये दोनों गुजराती गुजरात हाईकोर्ट में जब केस गया तो हम लोग सोच चुके थे कि यहाँ न्याय मिलेगा नहीं, और वहाँ से जो ही केस हमारे गुजरात से बारहवा सुप्रीम कोर्ट आया तो हम 140 करोड़ जनताओं का एक उम्मीद जगी, और उम्मीद जगने के बाद आज ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने देश में अपने कोर्ट के प्रति एक बिल्कुल विश्वास जगाया है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी न्याय से भी उब चुके थे, क्योंकि विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से CBI ED का जो जाल बिछाया था कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह तक, तो आज के फैसले ने इस देश को साबित किया कि हमारा देश का अभी संविधान जिंदा है, हमारा न्याय जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। ये भाजपा की सरकार राई के दना बराबर इस देश में जात पात मजहब का नाम पर और किसी भी डिक्टेटरशिप को कायम नहीं कर सकता, और जिस तरीका से ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट का, हम तहे दिल से मान सम्मान करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाला दिन हमारा दिन, हमारा संविधान मजबूत होगा, और हमारे राहुल भाई आंख से आंख मिलाकर अमित शाह जी, श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी राहुल भाई के डर से हो सके पार्लियामेंट भी न आए। लेकिन उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग डरे नहीं, राहुल भाई के सामने में पार्लियामेंट भी आएँ और राहुल भाई की बातों का जवाब दें, और उसके ऊपर दोबारा CBI ED का जो जाल फेंकना चाह रहे हैं जितना भी कर दें, राहुल डरने वाले नहीं, वो नफरत की दुकान को मिटाएंगे, मोहब्बत की दुकान को खोल के रहेंगे, और हमारे चिंटू भाई के नेतृत्व में भी किशनगंज के और मैं मोहब्बत के सरजमीन में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे इंशाल्लाह। जय किशनगंज, जय हिंदुस्तान, जय तमाम लोगों को सलाम, जय कांग्रेस।